विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के प्रांतीय मंत्री ने आज मुरादाबाद में भड़काऊ बयान देते हुए कहा, मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से घोषणा करता हूं कि यदि किसी माइके लाल ने हमारे एक भी बजरंगी की हत्या की तो हम 1,00,000 की हत्या करेंगे। मैं खुला चैलेंज देता हूं, कान खोलकर सुन ले जिहादी, उन्होंने हमारे एक को मारा है, हम उनके घर में घुस घुस कर मारेंगे, घर में एक चूहा तक नहीं छोड़ेंगे। जब शांति प्रिय लोग बिगड़ते हैं तो फिर ऐसा ही हर्ष करते हैं। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा में हुई हिंदू संगठन से जुड़े हर्षा नाम के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के बाद से देश भर के हिंदू संगठनों में उबाल है, जिसे लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में जमा होकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन DM को सौंपते हुए कर्नाटक मामले में CBI जांच की मांग उठाई है। ज्ञापन सौंपने के बाद विश्व हिंदू परिषद मेरठ के प्रांत मंत्री डॉक्टर राज कमल ने भड़काऊ बयान देते हुए उन हत्यारों को ललकारा है जिन्होंने हर्षा की हत्या की है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की जाँच CBI से कराई जाए। डॉक्टर राज कमल, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, इस दुख की घड़ी में अब पूरा देश का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद परिवार उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसका मात्र 21 साल का बेटा इस काम के लिए शहीद हो गया कि उसने एक नियम के लिए काम करने, ये वैसा ही हुआ जैसा आपने किसी से कह दिया साइकिल बाईं तरफ चला लो और इस बात की सजा मौत की दे दी जाए। ये वो जिहादी जिसने उस स्कूल के एक महिला के लिए केवल इतनी बात कही कि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म ड्रेस में आना चाहिए, उसकी सजा इन लोगों ने मिलकर उसके 32 चाकू मार के दी। अरे क्या हुआ उसका, तो यहाँ तक एक रिप तोड़ दी और रिप तोड़ कर उसका दिल निकाल दिया, ब्रुटल तरीके से मारा। मैं विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत की ओर से घोषणा करता हूँ, साफ कहता हूँ देश के अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से, यदि अगर किसी माई के लाल ने हमारे एक बजरंगी का लिया ये हत्या की, हम 1,00,000 की करेंगे। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, हम पहली बार सरकार से मांग करते हैं। हमारे महानगर के अध्यक्ष ने बहुत अच्छी घोषणा करी कि 10,000 रुपए का ड्राफ्ट उस परिवार को दिया जाएगा। अगर 10,000 रुपए का परिवार के हिसाब से लगाइए, देश के अंदर 680 जिले हैं, तो ये आतंकवादी समझ लें, एक बच्चा शहीद हो गया तो इस पैसे का कैलकुलेट कर लो कितना बन जाएगा। हमारे पास इनकी गोलियां कब पड़ जाएंगी, हम एक एक को घर घर में घुस घुस कर मारेंगे। उन्होंने एक मारा, हम उनका चूहा तक मारेंगे। स्पष्ट मेरा अपने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को निर्देश है, यदि अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई, हम शासन से, हम चूंकि शांति प्रिय लोग हैं और जब शांति प्रिय लोग बिगड़ते हैं ना तो फिर उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञापन के माध्यम से आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं तत्काल हर्षा के हत्यारों को गिरफ्तार करा जाए, उसके पीछे कुछ लोगों का दिमाग है उनको गिरफ्तार करा जाए।